नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तराखंड। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने माओवादी भास्कर पांडे को अल्मोड़ा से गिरफ्तार कर प्रदेश से माओवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रदेश के DGP अशोक कुमार ने कहा कि भास्कर पांडे कुमाऊं में ट्रेस किए गए माओवादियों में सबसे आखिरी था और अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2016-17 तक के बीच में 24 माओवादियों को चिन्हित किया गया था और भास्कर पांडे उनमें आखिरी माओवादी था जिसे चिन्हित किया गया था, जिसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का सबसे वरिष्ठ माओवादी लीडर पिछले दिनों ज्वाइंट एक्शन में गिरफ्तार किया गया था। मैं तो कहूंगा कि कुमाऊं में जो भी माओवाद के ट्रेस थे वो खत्म समझा जाए, क्योंकि आखिरी वांछित माओवादी था जिसको हमने पकड़ा है। और हमारे यहाँ जो इतिहास रहा 2004 से शुरू हुआ, 17 का आखिरी मुकदमा था, ये दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कुल 24 हमारे यहाँ माओवादी प्रकाश में आए, उनमें से आखिरी था जो वांछित था, ये पकड़ा गया। अब मेरे ख्याल से अब कोई और गतिविधि होनी नहीं चाहिए, यद्यपि ये उसको दोबारा जिंदा करने का प्रयास कर रहा था। और भी लोग हो सकते हैं, मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरह से हमने चुन चुन के आइडेंटिफाई करके जितने हार्डकोर थे वो तो 100% अकाउंट फॉर हो गए। वहीं चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने हाल ही में उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर आम जनता के सुझाव मांगे थे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 4 दिनों में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 25,000 से ज्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं और अब तक जनता की ओर से हमें 22,000 से भी ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। इसी को लेकर अब हम उन्हें महत्वपूर्ण सुझाव पर आगे के लिए सेल्फी विद टेंपल अभियान शुरू करने जा रहे हैं और उत्तराखंड की जनता से यह अपील करते हैं कि आपके शहर, गांव या मोहल्ले में जहां कहीं भी आपके इष्ट देवता देवी का मठ है या कोई मंदिर है जो पौराणिक देवस्थल है, उसकी जानकारी सेल्फी विद टेंपल के जरिए हमसे साझा करें, जिससे हमें उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने में और भी आसानी हो। हम उत्तराखंड की जनता से यह भी अपील करते हैं कि वह हमारा सहयोग करें। तो तस्वीरें देहरादून से है, जहां पर अब सेल्फी विद टेंपल अभियान की शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, जब अरविंद जी का दौरा उत्तराखंड का हुआ था, उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड को हम विश्व के हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उसके बाद कर्नल कोठियाल जी ने 4 दिन पूर्व एक वेबसाइट लॉन्च की थी, spiritualcapitaluttarakhand.com। उसके माध्यम से हमने पूरे प्रदेश भर से लोगों से सुझाव और समर्थन मांगा था। पिछले 4 दिनों में हमें उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन मिला और उसको देखते हुए अभी तक हमारे पास लगभग 25,000 लोगों ने इस मुहिम को, इस कॉन्सेप्ट को अपना समर्थन दिया है और लगभग 22,976 सुझाव अभी तक आए हैं, जिन सुझावों में प्रमुखता से ये था कि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हैं, बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में अभी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हरिद्वार के महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते अल्ट्रासाउंड सेवा बंद है, जिसके चलते कुंभ मेले के दौरान 26 लाख की लागत से लगाई गई कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन धूल फांक रही है। वहीं महिला अस्पताल में पहुंच रही गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए जिला अस्पताल और मेला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश में पहले स्थान पर रहने वाले महिला अस्पताल में रोजाना 30 से 40 महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने में परेशानी हो रही है। मामले में अस्पताल के CMS का कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते अल्ट्रासाउंड सेवा बंद है, इसके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। कुंभ मेले में जो अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी वो मेला अस्पताल में स्थापित कर दी गई है, क्योंकि हमारे पास 2 ही रेडियोलॉजिस्ट है जो जिला अस्पताल में और मेला अस्पताल में रेडियो कर रहे हैं। अभी एक रेडियोलॉजिस्ट की और अतिरिक्त आवश्यकता होगी जब मशीन संचालन हेतु, तो अभी आकस्मिक परिस्थितियों में इमरजेंसी रहती है तो उसको अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑपरेट किया जाता है। अंदर पूर्ण रूप से समय के साथ चलाने के लिए उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होगी। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली में आज नशे के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान सभी ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, इस धरने का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड के द्वारा किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किच्छा विधानसभा में अवैध नशे का कारोबार काफी तेजी से फैल रहा है, अगर इस धरने के बाद भी अवैध नशे के कारोबार पर पुलिस ने
अंकुश नहीं लगाया तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ रुद्रपुर एसएसपी ऑफिस के सामने 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठकर धरना दूंगा, और अगर एसएसपी ने भी कार्रवाई नहीं की तो हम नैनीताल में डीआईजी के ऑफिस पहुंचकर धरना देंगे, और जब तक पुलिस नशे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तब तक नशे के खिलाफ इस मुहिम को मैं यूं ही जारी रखूंगा। वहीं मामले में किच्छा क्षेत्र के कोतवाल चंद्रमोहन ने बताया कि किच्छा क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक मुहिम चल रही है जिसमें अभी तक काफी बड़ी संख्या में कच्ची शराब की भट्टियां नष्ट कर दी गई हैं। साथ में इसमें गांजा बेचने वालों को बड़ी संख्या में जेल भेजा जा चुका है और आगे भी पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। आप सबकी जानकारी में है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है, किच्छा के अंदर भी बुरे हालात हैं। मुझसे कई महिलाएं मिली हैं, बच्चों को लेकर भविष्य को लेकर चिंतित है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। नौजवानी नशे में जा रही है, नौजवान नशा कर रहा है, और ऐसा नशा है स्मैक से लेकर गंदे गंदे नशे हैं जिनका नाम कभी नहीं सुना। तो उसके खिलाफ, उसके अंदर जो नशे का कारोबार है वो बगैर पुलिस की मिली भगत के नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है। मुझे पुलिस के लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि साहब पुलिस बिकवाती है, पैसे लेती है, महीना लेती है, और कल DIG ने भी इस बात को माना है। तो उसको लेकर हम धरने पे हैं। आज हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना है। अगर ये पुलिस नहीं सुधरेगी तो हम इसको और आंदोलन के रूप में इसको हम तेज करेंगे, और प्रत्येक बस्तियों में वार्डों में जाकर हम इसका आंदोलन का आगाज करेंगे। तो ये आज हमारा सांकेतिक है, पुलिस सुधर जाए, इस काम को बंद कराए जो महीना लेती है। पुलिस को सब जानकारी कि इसमें कौन बेचता है, कहाँ कहाँ नशा बिकता है, सब जानती है पुलिस। कितने दिन का अब देंगे समय, अभी तो बातचीत होगी। आंदोलन के रूप में इसको चलाएंगे। हमारे मोहल्ले में स्मैक का बहुत कारोबार हो रहा है, लोग बाग बहुत बेच रहे हैं, आने वाली छाई साड़ी बिगड़ रही है। सारे दिन नशा पी पी के अपने घरों से सिलेंडर लो, बर्तन लो, मारपीट घर में कर रहे हैं महिलाओं के साथ, माता बहनों। एक साल पहले भी हमने संघर्ष किया, एक साल हम महिला मंगल दल की में अध्यक्ष बनाया गया मुझे। सारी स्मैक हमने किच्छा की बंद करा दी थी, उस समय पुराने वाले कोतवाल साहब थे, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, ऐसा साई थे उन्होंने दिया सारा। हमने मसेगा ये स्मैक बंद करा दी थी, लेकिन अब तो इतनी बिक रही है दड़े मैना, पुलिस कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ। पुलिस के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी अभी तक हम स्मैक में करीब 26 लोगों को जेल भेज दे चुके हैं। करीब 9 किलो चरस हमने बरामद कर ली है। करीब 500 ग्राम इसमें बरामद कर ली है, और दारू में हमने करीब 60 लोगों को जेल भेजा है, और 2200 लीटर अवैध दारू बरामद की है। करीब 1,00,000 लीटर अवैध लहान नष्ट किया है। पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, भविष्य में लगातार कार्रवाई होती रहेगी। नशे के प्रति जो स्मैक की उसमें है, ये हम मेरी पब्लिक से यही अनुरोध है, पब्लिक जागरूक रहें, सूचना दें इस संबंध में, ताकि और अधिक से अधिक कार्रवाई। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, पर सरकार देवस्थानम बोर्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी से भी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है, जिस पर उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से 30 सितंबर तक का समय लिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि समय सीमा में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो उत्तराखंड के हर गांव से सरकार के विरोध में महायात्रा निकाली जाएगी, और चुनाव में सरकार को इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। त्रिवेणी घाट में गंगा आरती जो कि हमारे द्वारा ही शुरू की गई थी, उसमें सम्मिलित होने आया हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया है कि देवस्थानम बोर्ड में, विगत 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड जो हमारी चारधाम महापंचायत है उसकी मुलाकात हुई है, और जिसमें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 तारीख तक का मुझे समय दीजिए, आप लोग अपना धरना स्थगित करें करके। तो हमने आज 13 तारीख को हमारे एक महारैली का जो आयोजन था, जिसको हमने उनके कहने पर, उनके आग्रह पर, उनके बार-बार विनम्र निवेदन करने पर हम लोगों ने उसको तो स्थगित कर दिया है, मात्र और सिर्फ 30 तारीख तक के लिए।
चमोली के नारायण बगड़ में बीते मंगलवार को नंदा देवी अन्नपूर्णा मठ पैतौली में नंदा महोत्सव के दौरान उस वक्त एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब जिला योजना के अंतर्गत बनाई गई धर्मशाला के लोकार्पण को लेकर धराली विधायक मुन्नी देवी शाह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत में ठन गई। वहीं अचानक हुए इस वाक्य से लोग भी हैरान रह गए। बता दें मंगलवार को नंदाष्टमी के अवसर पर नंदा देवी अन्नपूर्णा मठ पैतौली में नंदा महोत्सव का आयोजन किया गया था। वहीं इस दौरान आयोजनकर्ताओं की ओर से धराली विधायक मुन्नी देवी शाह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत को आमंत्रित किया गया था। जानकारी के मुताबिक वहां पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत की नजर जैसे ही शिलापट्ट पर लिखे विधायक के नाम पर पड़ी तो वह गुस्से से आग बबूला उठे और उन्होंने शिलापट्ट को जमीन पर पटक दिया, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने बिना रुके सभा मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्होंने जिला योजना से अन्नपूर्णा मठ पैतौली में धर्मशाला के निर्माण की पैरवी की है और अब थराली विधायक उनके कार्य को अपनी उपलब्धि बताकर अपने नाम की शिलापट्ट लगवा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के विकास कार्यों को जबरन अपने नाम करने के लिए विधायक अधिकारियों पर भी दबाव डाल रही हैं, जिसका वे जल्द ही खुलासा करने वाले हैं। वो योजना वर्ष 2020-21 में मेरे द्वारा जिला योजना में प्रस्तावित किया गया था और मैंने उस योजना के लिए बहुत प्रयास किए, अधिकारियों की खुशामद की उनसे किस ढंग से मैंने वो योजना स्वीकृत कराई और 5 अगेंस्ट की 5 लाख की मैंने मांग की थी, उसके अगेंस्ट मुझे 3 लाख रुपये उन्होंने स्वीकृत कराई। और जब मैं कल उस कार्यक्रम में गया, उन लोगों ने मुझे भी आमंत्रित कर रखा था, मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये शिलान्यास, ये विधायक जी ने इसका लोकार्पण कर दिया है। हमारे द्वारा चलाई गई योजना, हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना का विधायक शिलान्यास करिए, तो मुझे रहा नहीं गया तो मैंने वो तोड़ दिया, उठा के तोड़ दिया। मैं तो गलत काम का विरोध करूंगा और भविष्य में भी इस प्रकार का अगर कोई कृत्य करेगा तो मैं उसका जरूर विरोध करूंगा। वहीं पौड़ी के चौबट्टा खाल तहसील के प्रखंड पोखड़ा के ग्राम सभा दलमाना में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने भी ग्रामीणों की सभी समस्याओं को सुना। इसके बाद आपको बता दें कि इस दौरान मौके पर 7 समस्याएं निकलकर सामने आई, जिनमें से 3 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 4 समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है। बता दें इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार एवं उप जिलाधिकारी संदीप कुमार के द्वारा 60 महिलाओं को पोषण किट का भी वितरण किया गया। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने गाँव का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। वहीं हरिद्वार में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां हरिद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग वाहन चोरों के गिरोह को सदस्यों को गिरफ्तार कर दोनों गिरोहों के सदस्यों का पर्दाफाश किया है। बता दें पकड़े गए दोनों गिरोह में से एक गिरोह बाइक चोरी जबकि दूसरा गिरोह कार चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा है। पुलिस ने दोनों गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक और 2 कार भी बरामद कर ली गई है। मामले में SSP योगेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में दोनों मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास है। उन्होंने बताया कि कार चोर गिरोह का मुखिया प्रमोद कुमार अभी भी फरार है, जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने में माहिर है और कार चोरी करने से पहले वो कार के सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देता है। जो ज्वालापुर का गैंग है, ये इको स्पोर्ट गाड़ियां चुराने में माहिर था। 2 गाड़ियां इसने हमारे यहाँ से चुराई, एक रानीपुर और ये दोनों गाड़ियां बरामद हो गई हैं। इसके जो अभियुक्त हैं ये भी पकड़ लिए गए हैं। एक इसका जो मेन अभियुक्त है, जो कि थोड़ा सॉफ्टवेयर का हम ये कह सकते हैं थोड़ा काम जानता है, उसके द्वारा ये इनके जो सिस्टम था उसको डिसेबल करता था गाड़ियों कारों के, तो वो अभी फरार है, उसके करा जाएगा। दूसरा प्रकरण ये पथरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर कि 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें अधिकतर मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर हैं, इनको ये चुरा कर और इन गाड़ियों के पुर्जे अलग करके कस्टमर्स को भेज दिया जाता है। तो दोष में वो है जो गाड़ियाँ चुराते हैं, तीसरा जो मिस्त्री है, उस प्रकार का कार इनको डिसमेंटल करके बेच देता है। सर दोनों बताया जो कार चोरी करते थे वो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसको डिसेबल करते थे, जो इसका अपना सॉफ्टवेयर होता है उसको, और उसके बाद इसको अपना स्टार्ट करके ले जाके फिर डुप्लीकेट चाबी बना के इसकी और फिर इनको कस्टमर्स को भेजा। ये
ये तो इनका था। और जो मोटरसाइकिल वाले हैं ये तो स्प्लेंडर, जैसे मैंने आपको बताया, आसानी से चोरी हो जाती है, इसको रैकी करके चुरा लेते थे और इसके पुर्जे अलग करके बेच देते हैं, चंद्रपुर है और बाकी मतलब और निकालते हैं। पुलिस टीम, इसमें जो पथरी की टीम है जिसने पथरी के 10 मोटरसाइकिलों की बरामद की है, इसके लिए 2500 रुपये कहना, और जो ज्वालापुर का है इसके लिए 1500 रुपये। उधम सिंह नगर के सितारगंज के ब्लॉक परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व स्वरोजगार योजना के तहत ऋण चाहने वाले लोगों के लिए कैंप आयोजन किया गया। बता दें इस कैंप में सैकड़ों लोगों द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया गया। वहीं कैंप में पर्यटन स्वरोजगार योजना, जिला ग्रामोदय बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय, कोऑपरेटिव बैंक आदि के स्टॉल लगाकर ऋण संबंधी जानकारी भी दी गई। इस दौरान कैंप में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्तर से आज के दिन मतलब प्रत्येक जनपद में और हमारे सितारगंज विकास खंड का जो है रोजगार दिवस के रूप में रोजगार योजना के संबंधित जानकारी के लिए इसमें रखा गया था। इसमें हमारे उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, पशुपालन, शहरी विकास और SHG समूह के महिलाओं को जो भी ऋण सुविधाएं दी जानी है उनका जो आयोजन होना था। इसमें हमारे बैंक के प्रतिनिधि आए हैं, 2-3 बैंक के जहां हमारे आवेदन पत्र थे, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि आए हैं, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि आए हैं और नगर पंचायत नगर पालिका के जो प्रतिनिधि आकर के जो इच्छुक लाभार्थी हैं उनके आवेदन को भर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। उधम सिंह नगर के गोलापार खेड़ा गांव की सड़कों की हालत खस्ताहाल है और कोई इस पर ध्यान देने को भी तैयार नहीं। ना तो प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही स्थानीय विधायक। मामले में BDC मेंबर अर्जुन सिंह बिष्ट ने बताया कि सड़कों की हालत खस्ताहाल हो चुकी है जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने खुद ग्रामीणों की शिकायत पर गांव की सड़कों का निरीक्षण किया। मामले में उनका कहना है कि अगर 15 से 20 दिनों में ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण नहीं किया जाता और सड़कों के निर्माण कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाती तो वह जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। नहर से लगी हुई है रोड, आज 5 साल लगभग सरकार को पूरे होने जाते हैं पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि यह रोड अभी तक किसी वाला अधिकारी ने सूझबूझ नहीं ली। कई बार हमने DM साहब के माध्यम से अधिकारी को अवगत कराया और प्रार्थना भी की क्षेत्र की विधायक जी से, जिनका अभी तक कोई भी खड़ातल में देखने का प्रयास कुछ भी नहीं मिला और रोड की हालात ये है, गरीब क्षेत्र होते हुए यह रोड हाईवे को लिंक करती है पर अभी तक इस रोड का निर्माण नहीं किया गया। अगर शीघ्र ही इस रोड का निर्माण नहीं किया गया तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। अगली खबर उत्तरकाशी से है। कल देर रात BJP जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर हुए धमाके के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। मामले में DIG कुमाऊं, SPCT, CO समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम में आज घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान फॉरेंसिक टीम में सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके साथ ही धमाके की घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं DIG कुमाऊं के मुताबिक जब तक फॉरेंसिक के अलावा भौतिक तथ्यों की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बता दें कल देर रात BJP जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर धमाका हुआ था जिससे घर का सामान और दरवाजे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि घर के सभी सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरी रात से ही हमारी पूरी टीम जो है पुलिस की यहाँ तमाम आला अधिकारी और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे पूरी जांच कर रहे हैं। हमने जो है वो BD स्क्वाड जो है हल्द्वानी का रुद्रपुर उनसे भी दिखवा लिया है और अभी हमारी फॉरेंसिक की टीम भी इसमें जो है वो कुमाऊँ पूरी यूनिट की टीम जो है यहाँ पर जाँच कर रही है। इवन हमने ITBPT के भी एक्सपर्ट्स से वो भी दिखवा लिया, उसे डॉग स्क्वाड से भी दिखवा रहे, तो सभी पॉसिबिलिटीज़ को हम इसमें जाँच कर रहे हैं। अभी एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे, हम लोग जो है वो हर चीज़ को देख रहे हैं। इवन हम लोग जो फिजिक्स वगैरह है उनसे भी, पन्नगर यूनिवर्सिटी के जो है उनसे भी करवा रहे ताकि कोई भी हमको इसमें डाउट ना रहे।
चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ के राजकीय इंटर कॉलेज असेड़ सिमली में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले नए सत्र में विद्यालय में नव प्रवेशी पखवाड़े के तहत आज छात्र छात्राओं जनप्रतिनिधियों व अतिथियों के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी नौनिहालों को शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सके। वहीं पीटीए अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने का संकल्प लें ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा हासिल हो सके। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाएं जनप्रतिनिधि अभिभावक व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आशुतोष रतूड़ी ने किया। आज का जो ये प्रवेशोत्सव और स्वागतोत्सव का कार्यक्रम था, इसमें सबसे पहले ये संदेश हमको देना है कि सारे बच्चे जो हैं जो अभी कहीं पढ़ नहीं रहे हैं उनका नामांकन सरकारी स्कूलों में हो, क्योंकि सरकारी स्कूलें आज सारी सुविधाएं बच्चों को दे रही हैं, चाहे वो MDM का है, चाहे वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, चाहे वो निःशुल्क गणवेश है, चाहे खेल प्रतियोगिताएं हैं सारे या कोचिंग वगैरह है। सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या निरंतर बढ़ती रहे, और इसलिए ये प्रोग्राम किया जाता है कि जो हमारे विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं उनको लगे कि हमारा भी कुछ स्वागत वगैरह हो और हमें कुछ गिफ्ट प्राइज वगैरह मिले, तो इसलिए ये कार्यक्रम सरकार की मंशा के अनुरूप हमने आज उसका अनुपालन सुनिश्चित किया। प्रवेश पखवाड़ा एवं बच्चों के स्वागत उत्सव के लिए जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है कि बच्चों को ये लगे कि हमें भी कुछ सरकारी स्कूल में कुछ लाभ मिल सके, और हम ये इसी तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। और हमारी शुभकामनाएँ हैं सभी बच्चों के लिए कि आप सरकारी विद्यालय में जाएँ और यहाँ पर सरकारी विद्यालय में जो भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो रही है बहुत ही सराहनीय है। और मैं साथ साथ यहाँ पर अपने गुरुजन बंदी एवं अपने प्रधानाचार्य जी नेगी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमारे विद्यालय को अपनी ओर से सराहनीय कार्य किए हैं एवं सभी बच्चों के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं और उनको स्कूल में स्वागत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और उनके लिए हम यह कहना चाहते हैं कि वे स्कूल में आएं और अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करें। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव के महानवमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अष्टमी के रात्रि पूजन में भीम सिंह कार्की, राजेंद्र सिंह बेहरा व करण शाह शामिल हुए। बता दें इस दौरान महानवमी के अवसर पर विश्व शांति के लिए एक हवन का आयोजन किया गया। इस हवन में पंडित भगवती प्रसाद जोशी यजमान की भूमिका में रहे व आचार्य दीप जोशी द्वारा भोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न रूपों में मां भगवती की पूजा की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां पर महानवमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, विश्व शांति के लिए हवन का भी आयोजन किया गया है। श्री नंदा देवी महोत्सव की महानवमी के अवसर पर आज महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। विश्व शांति और पूरी मानवता के स्वस्थ रहने के लिए हवन का आयोजन किया गया ताकि विश्व खुशहाल हो सके, मानवता स्वस्थ रह सके। तत्पश्चात कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ और सायंकालीन पंच आरती में विभिन्न अतिथियों ने प्रतिभाग किया। माँ नंदा सुनंदा के आशीर्वाद हेतु सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जिसे बड़ी स्क्रीन के माध्यम से शहर के विभिन्न भागों में और साथ ही YouTube और Facebook के माध्यम से और ताल चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित किया जा रहा है। आज पंडित केसी सुयाल जी ने धर्म के विभिन्न पक्षों पर व्यापक चर्चा की, लोगों की समस्याओं और उनके निदान के लिए डॉक्टरों की एक टीम, डॉक्टर KS धामी, डॉक्टर दुक्ताल, डॉक्टर रावत, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर गंगोला, डॉक्टर मंजू रावत कार्यक्रम में पधारी। उन्होंने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया और स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए।
वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में नवविवाहिता का फंदे पर लटका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि मृतका रेशमा विश्वास की उम्र लगभग 24 वर्ष थी, जिसकी करीब 7 महीने पहले शक्ति फार्म वार्ड नंबर 5 निवासी नरोत्तम विश्वास के साथ शादी हुई थी। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के वास्तविक कारण का अभी तक पता नहीं चल चुका है, उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका व मृतका के पति और परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वहीं मामले में ग्राम प्रधान पंकज बसु ने बताया कि मृतका ने दोपहर से ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और जब लगभग 4 घंटे बाद मृतका के भाई ने आकर दरवाजा खोला तो मृतका का फंदे से लटका हुआ शव मिला था। सूचना, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो इनके घर वाला यहाँ पे मेरे ख्याल से ये दोपहर से लड़की ने दरवाज़ा बंद, यहाँ पे आके जो मुझे सूचना मिली दोपहर से लड़की ने दरवाज़ा बंद कर, लेकिन इन्होंने कोई मतलब खोला नहीं, 3-4 घंटे मतलब दरवाज़ा बंद ही था। तो वहाँ से जब उनके भाई आए लड़की की, वो आके यहाँ पे खोल के देखा कि उस कंडीशन में है। शाम को सूचना मिली थी, एस डी एम साहब ने कहा था एस ओ साहब से बात कर लो, फिर मैंने एस ओ साहब से पूछा तो बोले कि जैसे महिला ने सुसाइड कर लिया, अभी 6-7 महीने हुए शादी को, कहीं आके देखा तो कमरा खुलवाया ऊपर लटकी पड़ी थी और खत्म हो चुकी थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।